श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर की ओर से आगामी दिनों में दिव्यांग जनों को निशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। निशुल्क उपकरण को लेकर नगर परिषद कार्यालय में 3 दिनों तक दिव्यांग व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन कई दिव्यांग जनों ने पहुंचकर अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। वहीं अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दिव्यांग जनों को कृत्रिम हाथ पैर, पहिया, साइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, कैलीपैर, कान की मशीन, छड़ी इत्यादि निःशुल्क दी जाएगी। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आगामी दिनों में बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में दिव्यांग जनों में निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर से पहले समिति द्वारा बाड़मेर में रजिस्ट्रेशन हेतु 3 दिवसीय कैंप लगाया गया। कैंप के पहले दिन सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में कई दिव्यांग जनों ने उपस्थित होकर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के पदाधिकारियों के मुताबिक अगस्त माह में समिति द्वारा बाड़मेर में शिविर का आयोजन कर दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया जाएगा। वितरण से पूर्व सोमवार से 3 दिवसीय रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया है। इसमें विकलांगों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ उनकी आवश्यकताओं को देखा जाएगा। शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, तिपैया साइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी, कैलिपर, कान की मशीन, छड़ी सहित कई उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सहायता समिति से हूँ जयपुर फुट, जो अभी हम ये 3 दिन का शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट करें और उसमें से हम सबको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन और जिनके हाथ पांव टूटे हुए उनको हाथ पांव बनवाएंगे। और अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको कैंप लगा कर ये सुविधा उनको प्रदान करेंगे। कैंप कब लगेगा इसका? कैंप ये 10 अगस्त के बाद, जब तक हम 2 दिन पहले उनको कॉल करके सूचना दे देंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा कि उन्हें किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी आम जिंदगी जी सके। शिविर में कई दिव्यांगजनों ने पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं दिव्यांगजनों से आधार कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट फोटो लेकर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं अब यह शिविर मंगलवार और बुधवार को भी नगर परिषद कार्यालय में जारी रहेगा।